रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर वन ऑफ माय बिगेस्ट इंटरव्यूज एंड आई एम सो ग्लैड कंगना एंड आर माधवन आर इन द हाउस. तो हाउ इज व्हाट इज द जर्नी बिटवीन तनु इज मनु वन तनु इज मनु रिटर्न्स. कितना वर यू फीलिंग कूलर ऑन द सेट्स ऑफ तनु इज मनु रिटर्न्स? ये गेट दैट. देखिए बहुत डिफरेंस था क्योंकि तनु मनु वन एक डेस्टिनीज चाइल्ड काइंड ऑफ फिल्म थी. मैं अभी भी आनंदी हूँ, बहुत तेज करती हूँ कि मुझे एक्चुअल में तनु मनु वन की शूटिंग के दौरान कभी भी नहीं लगा ये फिल्म रिलीज होगी. मुझे लगा कि ये फिल्म जो है वो उस टाइम, क्योंकि इस तरह का जो आप पैरेलल सिनेमा कह रहे हैं वाज वेरी वेरी रेयर, और मतलब बहुत ब्लीक चांस होता था कि ये हिट करेगा. तभी मैं उनको बहुत छेड़ के मैंने कहा मैं तो इनसे काम नहीं किया थिंकिंग के आई थिंक तनु मनु वन और जब वो पिक्चर रिलीज हो गई तो इवन राजू जी कह रहे थे भाई मैंने तो कर क्या रहे 3 days के बाद यार आई विल लुक आई शोड हिम द मूवी बिफोर द रिलीज और ही लव्ड डिफरेंटली सजेस्टेड अ फ्यू चेंजेस. तो उसके बाद जब हम पार्ट टू बना रहे तो मुझे लगा कि भाई कम से कम हमारे आइडियाज और जो हमारे कन्विक्शन थे वो तो इंडिकेट हो चुके हैं. सो देयर वाज अ सेंस ऑफ कंफर्ट ऑन द सेकंड फिल्म. रियल लाइफ में शादी के बाद क्या-क्या हो सकता है? इज दिस व्हाट द मूवी इज अबाउट? दिस फिल्म इज अ सीक्वल इन ट्रू सेंस. अब जहां आपने तनु मनु को छोड़ा था उनकी शादी हो गई थी, 4 साल बाद अगर आप उनके घर में वापस जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, तो अब उनकी 4 साल बाद क्या हालत है, दिस इज व्हाट तनु मनु इज अबाउट. तो नेचुरली उनको सेम कैरेक्टर्स और सब कुछ सेम. इनफैक्ट जो घर के आप लोगों ने जब मनु के पेरेंट्स तनु को देखने आए थे तो जो बच्चे भी थे साथ में वो भी 4-4 साल बाद अगर 10-10 साल के बच्चे 14-14 साल के हो गए हैं वो भी आपको देखने में मिलेगा. एवरीथिंग इन द फिल्म इज दिस. याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने रियल लोकेशंस पे शूट करना शुरू किया था उस वक्त पे बॉलीवुड के लिए इतनी नई चीज़ थी कि क्या रियल लोकेशन, मतलब अदर देन ओमकारा और जो वो फिल्में हैं उनके सिवाय सब गांव के सेट लगते थे, सब जगह घरों के सेट लगते थे और वो इतने फेक और इतने क्लीशे होते थे. लेकिन हम लोगों ने दैट ट्रेंड वी हैव चेंज्ड कि कानपुर की लड़की का मतलब नहीं है कोई गांव की गोरी, जैसे हिमांशु ऑलवेज सेज कि जाओ गांव में पता चलेगा बेच के आ जाएगी तुम्हें, यू नो. तो शी इज़ द गर्ल हु स्मोक्स एंड बाइक पे घूमती है, एविएटर लगाती है. तो दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक हू लिव इन बांद्रा के हाँ अगर हम लखनऊ जाएंगे तो वहाँ घूंघट में एक प्यारी सी गाँव की गोरी हमारे गोद में बैठ जाएगी, बोलेगी शहरी बाबू हमें ले चलो अपने साथ. दैट्स नॉट हाउ रेस्ट ऑफ इंडिया वर्क्स. है कि नहीं पप्पी तो फिल्टर है तनु और मनु के जो रिलेशनशिप में लड़की में प्यार है. नहीं है मतलब पप्पी की लाइफ में प्यार, बस अब क्या पता है, बस अब थोड़े से सब जमाक देखे हुए हैं उसने, वो पूरे होते नहीं होते, बस ऐसे ही एक पार्ट है हल्का सा वो है, इतना लकी नहीं है. तो पप्पी का हनुमान है रियल लाइफ में मतलब मॉडर्न? हाँ जी जी ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी बन जाता है वो, हनुमान बन गए, जटायु बन गए, सब मतलब सब. तो वहाँ से मैं स्वेगर क्या, मैं भी स्वेटर समझता था पहले, स्वेगर क्या है भाई, स्वेगर का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत पता चला तो मुझे आइडिया नहीं था, बट गाना अच्छा था, गाना सबको अच्छा, स्वेगर स्वेगर एक होता है ना, कई बार आप किसी वर्ड का मीनिंग जानना ही नहीं चाहते, आप चल चल ले बीट में बस. हाँ 15 साल बाद इसका मतलब ये था. अच्छा एक ये भी होता है ये स्वैगर मेरे लिए आई थिंक ये सही है कि नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, और खासकर एक हरियाणा के विलेज में तो द लास्ट थिंग यू वुड थिंक ऑफ इज अ देहाती फैमिली, फैमिली देहातन यारन एंड बनो तेरा स्वैगर. तो ये अलग सा था पर मेरे लिए इतना नया नहीं था ये वर्ड, क्योंकि व्हेन यू शूट फॉर फैशन मैगजीन्स एंड ऑल sometimes they use this is a very fashion word ke you know your swagger is being appreciated and things like that. And after that jab inhone mujhe bola to I found it a bit this thing, maine kaha haryana mein wo kyun swagger gayenge, sweater is better. To unhone kaha ki nahi nahi, maine kaha chalo theek hai, push them, kya farak padta hai.